गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल के शर्मा और आज का हमारा वीडियो लेक्चर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो लेक्चर थर्ड एंड लास्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम मेनली जानेंगे कि यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है, और वीडियो पर बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स, तो बेसिकली इस स्लाइड में हम देखेंगे कि यूनिक्स और लिनक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को इनिशियली जो है यूनिक्स और लिनक्स के बीच में जो है ना हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है, क्योंकि यूनिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यूनिक्स का जो है पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, लेकिन जब कमांड्स की प्रैक्टिस करनी होती है, जब यूनिक्स के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी होती है, तो लिनक्स पे कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये होता है कि यार ये यूनिक्स और लिनक्स एक ही है क्या, या फिर ये अलग अलग है। तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहती है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यूनिक्स और लिनक्स को समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद जो है मेरे जो वीडियोज़ जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं ओरेकल DBA डेवलपर, ओरेकल प्रोग्रामर और डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए। तो यूनिक्स और लिनक्स को यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि ओरेकल का जो डेटाबेस है वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है अपना डेटाबेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रखती है, इसलिए लिनक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाने का मेरा यहाँ पर मतलब यही है कि आप लिनक्स को अच्छी तरह से समझ सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिक्स क्या है। तो यूनिक्स जो है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय AT&T एम्प्लॉइज लाइक कैन थॉम्पसन, डेनिस रिची, ब्रियन कर्निंगन, डॉगलस मैकलरॉय एंड जू ओसन्ना एट बेल लेबोरेटरीज इन 1969। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था AT&T के एम्प्लॉइज ने। तो AT&T क्या है, AT&T जो है वो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी है। तो उसके जो एम्प्लॉइज थे कैन थॉम्पसन, डेनिस रिची, ब्रियन कर्निंगन, डॉगलस मैकलरॉय और जू ओसन्ना, इन सब एम्प्लॉइज ने मिल करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969 में बेल लेबोरेटरी जो अमेरिका के न्यू जर्सी में है वहाँ पर इसको डेवलप किया था। और यूनिक्स जो है, यूनिक्स इज कॉपीराइटेड नेम हु ऑब्टेन्स ए कॉपीराइट कुड मॉडिफाई एंड कस्टमाइज इट फॉर इट्स ओन पर्पस। तो यूनिक्स क्या है, एक कॉपीराइटेड नेम है। कॉपीराइटेड नेम का मतलब ये है कि यूनिक्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसको हर बंदा यूज नहीं कर सकता है। इसको यूज करने के लिए यूनिक्स के ऊपर जिसका ऑनरशिप है, जो इसके मालिक है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यूनिक्स क्या है, एक कॉपीराइटेड नेम है और ये अपने हिसाब से अपने पर्पस के लिए यूनिक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ओनली बिग कंपनीज आर अलाउड टू यूज यूनिक्स कॉपीराइट, और यूनिक्स को केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसको यूज कर सकती है, मतलब उन्हीं को अलाउ किया जाता है यूनिक्स को यूज करने के लिए। क्यों उन्हीं को अलाउ किया जाता है आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। और यूनिक्स को ही मॉडिफाई करके दूसरे अलग अलग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जैसे कि IBM AIX। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मॉडिफाइड करके एक नया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद सन सोलरिस, ये भी एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जो यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है। और HP UX, ये भी एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारे के सारे क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर है जो यूनिक्स को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है और बड़ी बड़ी कंपनियों को यूज करने के लिए दिया गया है पैसे लेकर के, मतलब पैसे लिए जाते हैं, एग्रीमेंट कराए जाते हैं। उसके बाद द ओपन ग्रुप ओन्स यूनिक्स ट्रेडमार्क। तो यूनाइटेड स्टेट में ओपन ग्रुप नाम का एक इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई कंपनी है, उस
उसका ऑनरशिप यूनिक्स के ऊपर है, मतलब यूनिक्स जो है वो ओपन ग्रुप वालों का है, और इसीलिए ओपन ग्रुप जो है वही फेमस है एक सर्टिफाइंग बॉडी की तरह यूनिक्स ट्रेडमार्क के लिए। यानी कि अगर किसी को भी यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है या मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनवाना है तो ओपन ग्रुप वाले से उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, वही एक सर्टिफाइंग बॉडी है। तो कुछ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जो है वो इस तरीके से है, जो यूनिक्स को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है, HP UX, IBM AIX, सन सोलरिस, Mac OS X और एरिक्स। तो ये सारे यूनिक्स को मॉडिफाइड करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनको यूज करती है। लाइनेक्स, अब देखते हैं कि लाइनेक्स क्या है। तो लाइनेक्स वॉज बिगन बाई ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिन्यूस टॉरबेल्ट्स विदाउट एन इनिशियल सपोर्ट फ्रॉम एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइनेक्स को स्टार्ट किया था एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जिसका नाम था लिन्यूस टॉरबेल्ट्स, और उसको इनिशियली जो है किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। तो लाइनेक्स क्या है? इट इज जस्ट ए मिमिक्री ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मिमिक्री है, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरीके से डुप्लीकेट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट एम्स टूवर्ड्स पोजिक्स कॉम्प्लाइंस। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो है पोजिक्स का फीचर, POSIX पोजिक्स का फीचर है। तो पोजिक्स क्या होता है? तो पोजिक्स को बोलते हैं पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो ये पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया गया है, और इसको इस फीचर्स को डेवलप किया था IEEE ने। IEEE क्या है? एक जो है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। तो इस इंस्टीट्यूशन ने ही पोजिक्स को प्रोड्यूस किया था, एस्टेब्लिश किया था, और इसको रिकॉग्नाइज किया था ISO ने और ANSI ने। तो पोजिक्स में होता क्या है? पोजिक्स एंश्योर्स कंपेटिबिलिटी व्हेन प्रोग्राम्स आर मूव्ड माइग्रेटेड फ्रॉम वन यूनिक्स कंप्यूटर टू अनदर। तो पोजिक्स के फीचर में क्या होता है कि जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम्स को हम दूसरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मूव कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, और वहाँ पर ले जा करके हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स वगैरह बना करके या जो भी प्रोजेक्ट है हमारा उसमें हम इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को उस वाले प्रोजेक्ट में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, तो वहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा। तो इसी को कहते हैं कि पोर्टेबल फीचर है इसके अंदर, कंपैटिबिलिटी वाला फीचर है इसके अंदर। तो इट इज द फ्री वाइल यूनिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव। तो लाइनेक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री है, इसको फ्री यूज के लिए इसको बनाया गया था, जबकि यूनिक्स जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती है पैसे दे करके। तो लाइनेक्स कैन रन ऑन मैनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। लाइनेक्स बहुत से हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे ये रन कर सकता है, वेयर एज जबकि यूनिक्स रन्स ऑन प्रोप्राइटरी हार्डवेयर मशीन्स विच आर कॉस्टली। और यूनिक्स जो है मतलब बहुत कॉस्टली हार्डवेयर मशीन्स पे ये रन करता है। तो बोथ लाइनेक्स एंड यूनिक्स हैव सेम कमांड लाइन कमांड्स। और लाइनेक्स और यूनिक्स में दोनों में ही जो है कमांड लाइन के जितने भी कमांड्स होते हैं दोनों में ही सेम कमांड्स है। ls जो है ls कमांड, wc कमांड, कैट कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड, ये हम लाइनेक्स में भी वही सारे कमांड्स होते हैं और यूनिक्स में भी वही सारे कमांड होते हैं।
और यूनिक्स इज वाइडली यूज्ड इन इंटरनल सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस, वेयर एज लिनक्स इज यूज्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो यूनिक्स को हम इंटरनल सर्वर्स वगैरह जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, बड़े बड़े वर्क स्टेशन में इसको यूज किया जाता है। वर्क स्टेशन मतलब जो बड़ा कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर तरह का बना लेते हैं, वहां पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जबकि लिनक्स को हम सिंपल पीसी के ऊपर भी रन कर सकते हैं। उसके बाद वी कैन नॉट इंस्टॉल यूनिक्स इन ऑल मशीन्स, हम यूनिक्स को सभी मशीन्स पे रन या इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। वी रिक्वायर ए स्पेशल मशीन टू इंस्टॉल यूनिक्स, बट लिनक्स सपोर्ट्स ऑल मशीन्स। तो यूनिक्स के लिए हमें स्पेशल मशीन की जरूरत पड़ती है उसको इंस्टॉल करने के लिए, और लिनक्स जो है सभी मशीन्स को सपोर्ट करता है। तो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था जेएनयू प्रोजेक्ट। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1983 में, और इसको स्टार्ट किया था रिचार्ज स्टॉलमैन ने। तो रिचार्ज स्टॉलमैन के साथ और भी बहुत सारे प्रोग्रामर्स थे, तो उन प्रोग्रामर्स में एक प्रोग्रामर था लिन्यूस टॉरवेल्ड्स। तो उसी लिन्यूस टॉरवेल्ड्स ने जेएनयू प्रोजेक्ट के तहत ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना शुरू किया था। तो जेएनयू प्रोजेक्ट को लॉन्च इसलिए किया गया ताकि एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट कर सके, और जो एक फ्री सॉफ्टवेयर हो। अगर यूनिक्स का सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसके लिए तो बहुत सारा पे करना पड़ता है, बट लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर हो, जिसको पीसी पर जो है लोग घर में भी इसको यूज कर सके, इस पर्पस से इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। इट वॉज टू बी प्रोड्यूस्ड एज फुल्ली फंक्शनल यूनिक्स कंपेटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉपीराइट। तो लिनक्स को प्रोड्यूस किया गया था बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल यूनिक्स कंपेटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, मतलब यूनिक्स का एक डुप्लीकेट बनाया गया था जो कंप्लीटली जो है कॉपीराइट कोड से ये फ्री हो। तो ये था सारा लिनक्स के बारे में। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे समझ में ये आता है कि यूनिक्स और लिनक्स दोनों एक ही है, बट यूनिक्स जो है वो कॉपीराइटेड है और लिनक्स जो है वो एक फ्री ऑफ कॉपीराइट कोड है। तो यूनिक्स को अगर कोई यूज करना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा पेमेंट देना पड़ेगा, और लिनक्स को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। बाकी यूनिक्स और लिनक्स में दोनों की प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वर्डिंग, कमांड्स, समांड्स, फीचर्स, फीचर्स सब सेम है। तो कुल मिला जुला करके लिनक्स जो है वो यूनिक्स का एक कॉपी वर्जन है, मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट या कॉपी करके बनाया गया है। तो सम ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्स आर एज फॉलोस। तो लिनक्स को मॉडिफाई करके बहुत सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए गए हैं। तो जैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ये भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ओरेकल का सॉफ्टवेयर इसी पे चलता है। उसके बाद है डेबियन लिनक्स, सूस एंटरप्राइज लिनक्स, फेडोरा लिनक्स और अबंटू लिनक्स एक्स। तो ये सारे जो है लिनक्स के ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीली भी अवेलेबल हो जाते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो अब देखते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिसको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होती है तो उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज वन हु मैनेजेस ऑल द कंप्यूटर सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में लगे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उन सारे कंप्यूटर सिस्टम को वो मैनेज करता है। उसकी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड ए सुपर यूजर एंड ए सिस एडमिन। उसको सुपर यूजर भी बोलते हैं और सिस एडमिन भी बोलते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम्स भी लिखता है।
इसके अलावा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के और कौन कौन से टास्क होते हैं वो देखते हैं। तो वो डे टू डे टास्क को परफॉर्म करता है, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर भी बोल सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित डे टू डे टास्क को परफॉर्म करता है वो। उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करता है, सिस्टम को शट डाउन करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करता है, उसको इंस्टॉल करता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको फिक्स करता है। उसके बाद सिस्टम को वायरस से फ्री करता है। डिस्क स्पेस को मॉनिटर करता है कि डिस्क में स्पेस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अदर रिसोर्सेस यूज़ को भी मॉनिटर करता है। उसके बाद बैकअप्स एंड रिकवरी को परफॉर्म करता है और यूज़र को यूज़र आईडी और पासवर्ड भी देता है। सिक्योरिटी मेंटेन करता है, नेटवर्क को मॉनिटर करता है। तो बेसिकली ये सारे जो टास्क है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी पार्ट 3 यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। और जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये मैंने 3 वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन हमारा इस 3rd वीडियो लेक्चर में ख़त्म होता है। अब बाकी एक न्यू टॉपिक हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।